welcome back to my channel and welcome back to yet another video with the boss lady Subhi Mehra. So if you are new to this channel, please do subscribe this channel right now and follow me on Instagram, Snapchat and press the bell icon to get the notification for my videos. So this video is all about the skincare. This is basically a non-sponsored video. सो आज मैं आपके साथ जो है अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी. नॉर्मली जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि होममेड रेमेडीज ही मैं अपने फेस केयर के लिए जो है यूज करूँ, और मैं वही चीज जो है रिकमेंड भी करती हूँ सबको, प्रेफर भी करती हूँ अपने लिए. बट अगर आप जो है कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, मैं भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, बट आई मेक श्योर कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक हो और जो है वो पैराबिन फ्री हो, सल्फेट फ्री हो, ऑर्गेनिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हो. सो आज जो मैं अपनी वीडियो में शेयर करूंगी कुछ प्रोडक्ट्स जो आप भी अपने स्किन केयर के लिए यूज कर सकते हैं. So I won't take much of your time and let's get started. So a few days back I just came across one brand that is Good Vibes. This brand is available on purple.com. So I decided to order some products from that, and I really amazed that products are very much affordable and it works really well on my skin. So I'm just gonna share the honest review with those products for you guys. So let's start with the skincare regime which I'm following nowadays, and I'm really like feeling difference in my skin. My skin is getting supple and smooth day by day. So these all are the products which I'm gonna share with you in this video. I always follow the skincare, and I recommend always follow the skincare regime. That is like a cleansing and then toning, scrubbing, moisturizing. So all these steps are very much like important to have a proper skincare and to get the smooth and healthy skin. So we'll start with the first product. So this is our first product. This is Rosemary Illuminating Face Wash. So ये जो फेस वॉश है बहुत ही जो है मिंटी काइंड ऑफ रोजमेरी काइंड ऑफ जो है इसकी फ्रेग्रेंस है, एंड ये बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है आपके स्किन पे व्हेन यू अप्लाई, व्हेन यू क्लेंज योर फेस, और ये आपके फेस को बहुत अच्छे तरीके से जो है क्लेंज करता है. और मैं आई एम गोना पोस्ट द पिक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट अलोंग विद द वेबसाइट एंड इट्स प्राइस. सो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं. और इसके जो बेनिफिट्स हैं, लाइक इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, लेट मी टेल यू, कोकोनट एंड कॉर्न बेस्ड, एंड इसमें ग्लिसरीन है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है. सो ये इल्यूमिनेशन के लिए आपकी स्किन को जो है बहुत रेडिएंट दिखाने के लिए बहुत हेल्प करता है. और जो रोजमेरी है आपकी स्किन को इंस्टेंटली जो है ग्लो देती है, इंस्टेंटली स्मूथ बनाती है आपकी स्किन को. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस ब्रांड इज नो पैराबेन्स, क्रुएल्टी फ्री एंड विद नो मिनरल ऑयल. सो ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, ऑर्गेनिक ब्रांड है, एंड दिस इज सो मच अफोर्डेबल. मैं इसका प्राइस भी आपको बता देती हूँ. दिस इज रिटेल फॉर ₹175 ओनली, एंड इसकी जो क्वांटिटी है, लेट मी टेल यू द क्वांटिटी, आई एम नॉट एबल टू सी हियर, बट आई एम गोना पोस्ट द पिक्चर सो यू कैन फाइंड आउट देयर on their website too. So this was our first product. Like इनके पास बहुत सारी varieties available है इनकी website पे for good vibes. So rosemary मैंने अपने skin के according जो है अपने requirement के according ये face wash लिया था. इनके पास जो है argan oil face wash, mango face wash, and उसके साथ उनका जो है benefits लिखे हुए हैं कि skin के लिए अच्छा, किस skin type के लिए, और इसके benefits क्या है. So आप जो है उस according अपना जो है क्लेंजिंग और फेस वॉश जो है आप चूज कर सकते हैं. आज हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज स्क्रबिंग. सो स्क्रबिंग के लिए जो है सो आई गॉट दिस वन. इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, और इट हैज अ गोल्डन लिड ऑन इट. ये प्लास्टिक बेस है, इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ये ट्रेवल फ्रेंडली है,
आप इसको कहीं भी इजिली कैरी कर सकते हैं. एंड द स्क्रब द वन आई गॉट इट इज टी ट्री इल्यूमिनेटिंग स्क्रब एंड द सेम नो सल्फेट्स पैराबेन फ्री है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है टोटली. सो ये जो मैंने लिया दैट इज टी ट्री इल्यूमिनेटिंग स्क्रब. सो जो टी ट्री होती है वो एक्ने प्रॉन स्किन को हील करने में बहुत हेल्प करके. येट आई डोंट हैव मच लाइक एक्ने प्रॉन स्किन बट स्टिल कभी कभार सबको ही जो है एक्ने का प्रॉब्लम होता है पिम्पल्स हो जाते हैं. सो आई प्रेफर टी ट्री. सो जो टी ट्री है वो आपके डेड स्किन्स को रिमूव करता है डर्ट एंड ऑयल को इंस्टेंटली रिमूव करता है और आपके जितने भी फेस पे ब्लेमिशेस हैं एक्ने स्कार्स हैं उसको हील करने में हेल्प करता है. तो इसका जो प्राइस है दैट इज 195 रुपीज. सो मैं हर प्रोडक्ट की जो है पिक्चर्स और जो वेबसाइट लिंक है मैं मेंशन कर दूंगी. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. बहुत ट्रेवल फ्रेंडली है इजिली आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं. मैं एक बार इसका जो है आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ. सो इसके ऊपर ये लिड आती है सो दैट जो है ये स्पिल ना करे कोई भी प्रोडक्ट. दिस इज हाउ इट लुक्स. इतनी जल्दी ऐसे स्पिल नहीं होगा. दिस इज लाइक नाइस प्रोडक्ट. इसकी थिकनेस इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी है. इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. तो इंस्टेंटली जब मैंने ये अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम तो मुझे मतलब एज अ स्क्रब ये बहुत अच्छा लगा था बिकॉज इसके अंदर ग्रैन्यूल्स भी हैं तो आपके स्किन को. और इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही स्मूथ सूदिंग फ्रेग्रेंस है इसकी. और टी जो इसके अंदर जैसे ग्रीन टी होता है उसका थोड़ा सा फ्रेग्रेंस भी है. सो दिस इज अ नाइस स्क्रब. You can have it for yourself. और बहुत सारे स्क्रब्स हैं इनकी साइट पे अवेलेबल तो वो भी आप जो है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप यू है. थर्ड प्रोडक्ट दैट इज अ टोनर. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ये जो है स्प्रे टोनर है. सो स्प्रे टोनर में क्या होता है ये मतलब जो है काफी टाइम तक चलता है बिकॉज जो दूसरा टोनर होता है जो आप कॉटन पे लेके ऐसे से अप्लाई करते हैं वो बहुत ज्यादा यूज होता है एक बार में. एंड स्प्रे वाला बहुत इजी रहता है ट्रैवल फ्रेंडली होता है. आप इसको अपने कैरी बैग में रख सकते हैं अगर आप बाहर जा रहे हैं. इजिली आप स्प्रे करके अपने फेस पे जो है अपनी पोर्स को जो है ओपन पोर्स को टाइटन अप कर सकते हैं. दिस इज आर्गन हाइड्रेटिंग फेस टोनर. और जो सारे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट हैं वो भी मैं मेंशन कर दूंगी. दिस प्रोडक्ट जो है आर्गन ऑयल बेसिकली आपके जो पोर्स हैं उसको टाइटन अप करता है आपकी स्किन को है रिप्लेनिश करता है मॉइस्चराइज करता है थ्रू आउट द डे. और इसका जो प्राइस है दैट इज 175 रुपीज. सो गाइज इसके जो प्रोडक्ट्स हैं सभी प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल है. और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही बाय कर रहे हैं तो ही वो प्रोडक्ट अच्छा होगा. समटाइम्स जो है कंपनीज थिंक टू प्रोवाइड लाइक अफोर्डेबल प्रोडक्ट विद गुड क्वालिटी. सो दिस इज वन ऑफ देम. इसका जो आर्गन ऑयल का जो फ्रेग्रेंस होता है वो बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस होता है काइंड ऑफ लाइक स्वीट माइल्ड फ्रेग्रेंस. तो ये बहुत ही अच्छा टोनर है. सो दिस वॉज द टोनर. आई एम यूजिंग चॉकलेट स्क्रब. सो इसकी इस तरह की कुछ पैकेजिंग है. बहुत ये भी ट्रैवल फ्रेंडली है बहुत स्मॉल है तो कहीं भी आप इजिली इसको कैरी कर सकते हैं. नॉर्मली क्या होता है हम अपनी स्किन को तो स्क्रब कर लेते हैं बट इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपने जो है स्किन लाइक यूजुअली फॉर गर्ल्स बिकॉज हम लिपस्टिक्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो हमारे जो लिप्स हैं वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं चैप लिप्स की प्रॉब्लम होती है. सो अपने लिप्स को भी जो है स्मूथ करना बहुत जरूरी है सॉफ्ट करना बहुत जरूरी है. सो इसकी भी कुछ पैकेजिंग ऐसी है स्मॉल पैकेजिंग और ये बहुत बहुत अच्छा लगता है. एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है माय गॉड लुक एट द टेक्सचर. सो ये बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका. आप इसको जो है मैं अपने लिप्स स्क्रब करती हूँ इससे एंड इट मेक्स माई लिप्स सो 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 स्मूथ. और ये बहुत बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है. लेट मी चेक द प्राइस. दिस इज जस्ट फॉर 125 रुपीज. सो काफी टाइम चल जाता है बिकॉज थोड़ा सा ये लिप्स पे अप्लाई होता है ना 1-2 मिनट्स के लिए स्क्रब कीजिए. एंड इसके जो की इंग्रेडिएंट्स है दैट इज बीज वैक्स सनफ्लावर ऑयल कोको बटर चॉकलेट पाउडर वनीला ऑयल. सो ये टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है. इसमें कुछ भी हार्श केमिकल्स नहीं है. और वैसे भी ये जो ब्रांड है ये क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है और इसमें कोई भी सल्फेट नहीं है पैराबेन फ्री है. सो आप विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी सेकेंड थॉट इस ब्रांड के साथ जा सकते हैं. सो That was the lip scrub. उसके बाद जो है
let me tell you about the face mist. So the face mist I am using, this is Good Vibes ka rose illuminating face mist. So face mist ka kya hai, jaise aap skin care kar rahe hain, aapne toning kar liya, moisturizing kar liya hai, uske baad bhi aap face mist apply kar sakte hain. Apne makeup ko set karne ke liye bhi face mist apply kar sakte hain. And jaise agar summers mein aap kahin bahar hain, aapki skin agar aapko bahut dull feel ho rahi hai, so aap just spray a bit of it on your face aur aapka face jo hai instantly jo hai glow karega. से बहुत अच्छा फेस मिस्ट है, दिस इज रोज फेस मिस्ट. इसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है, ये भी छोटा सा है विद अ पंप, सो इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. एंड मेक श्योर आप कोई भी स्प्रे यूज करें, चाहे वो टोनर है चाहे वो फेस मिस्ट है, अपने फेस से 10 सेंटीमीटर की दूरी बना के ही अपने फेस पे अप्लाई करें. एंड मेक श्योर आपका जो है आईज के अंदर प्रोडक्ट ना जाए. और दिस इज 50 ml बॉटल एंड दिस इज फॉर 150 rupees. या कंपैरेटिवली 150 में थोड़ा, मतलब जिस हिसाब से बाकी प्रोडक्ट्स हैं उससे तो थोड़ा सा तो ज्यादा होना चाहिए था. बट अगर ये, अगर मैं कंपेयर करूं अदर ब्रांड से, तो क्वांटिटी इज लाइक ओके, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है. अगर ये स्प्रे है तो बहुत थोड़ा सा ही यूज होता है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. रोज वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फ्रेशनेस फील करता है, उसकी फ्रेग्रेंस, एज यू नो रोज की फ्रेग्रेंस तो सबको अच्छी लगती है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. सो इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैं अपनी स्किन को स्किन के लिए यूज कर रही हूँ, बिकॉज कई बार क्या होता है, प्रॉपर स्किन केयर, मतलब कई बार बहुत ज्यादा आलस आता है, बट आई ट्राई कि मैं जो है प्रॉपर स्किन केयर करूँ, बिकॉज आई अप्लाई मेकअप. सो अपनी स्किन का जो है केयर करना बहुत जरूरी है, जब भी आप जो है मेकअप अप्लाई कर रहे हो अपने फेस पे, बस कितना भी अच्छा मेकअप अप्लाई करो आप अपने फेस पे, कभी ना कभी वो आपकी स्किन को थोड़ा सा तो अफेक्ट करता है. तो उसके लिए आप जो है प्रॉपर स्किन केयर करो अपनी स्किन का. तो जब मैं कभी भी अपने फेस पे ये स्क्रबिंग एंड ऑल सारी चीजें नहीं करती, तो आई प्रेफर कि मेरी जो स्किन है वो डैमेज ना हो, और मैं एक अच्छा जेल अप्लाई करती हूँ. तो मैं अभी इनका जो ये जेल अप्लाई कर रही हूँ, दिस इज ऑरेंज जेल, जिसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है इस प्रोडक्ट की, और ये भी पैराबेन क्रुएल्टी फ्री है. इसके अंदर जो है ऑरेंज बहुत लाइक टेंजराइन सा बहुत इसका फ्रेग्रेंस है, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी अच्छा है स्किन पे, मत बहुत जरा सी यूज होती है और आपकी स्किन को एकदम से जो है रेडियंस प्रोवाइड करती है, बहुत इजीली जो है जेलअप हो जाती है आपकी स्किन में. तो बेसिकली ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये प्रोडक्ट आपको ऑयल कंट्रोल में, अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, और आपकी जो डैमेज है स्किन को उसको हील करता है. और ड्राई स्किन के लिए, स्पेशली ड्राई एंड ऑयली स्किन के लिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसको अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये ऑरेंज बेसिकली सिट्रस फ्रूट कोई भी हो, आपकी ऑयली स्किन में ऑयल कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है. तो ये 100 grams का जो है ये जार है, एंड दिस इज फॉर 215 rupees. तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं. इसका बेनिफिट ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप इसको मतलब डायरेक्टली अप्लाई करो, इसको आप अपने सिरम में भी मिक्स कर सकते हैं, आप इसको अपना एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर में भी ऐड करके यूज कर सकते हैं. तो किसी भी तरह आप इसको यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को. सो दिस वॉज द जेल आई वॉज यूजिंग. और जो है सिरम जो मैं यूज कर रही हूँ अपने फेस के लिए, बिकॉज जब भी आप अपने फेस में टोनिंग करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, स्क्रबिंग क्या होती है, स्क्रबिंग से एक्सफोलिएट करने से आपकी जो स्किन है उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है. और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये जो स्किन केयर कर रहे हैं, सो एकदम से एक के ऊपर दूसरा प्रोडक्ट मत लगाइए, अपनी स्किन को 1-2 मिनट का रेस्ट दीजिए, उसके बाद ही जो है आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो कीजिए. जब भी हम स्क्रबिंग करते हैं या टोनिंग करते हैं, हमारी स्किन उस टाइम पे बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत सेंसिटिव हो जाती है. सो हमारी फेस पे जो है, हमारी स्किन पे टिंगलिंग ना हो, तो उसके लिए जो है अपनी स्किन को रेस्ट दो. सो उसके बाद जो मैं सिरम यूज कर रही हूँ, दैट इज गुड वाइब्स का टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल सिरम, 10 ml का है ये. इस तरह की इसकी आउटर पैकेजिंग है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो, इसमें भी टी ट्री है, लाइट वेट सिरम है, और आपके एक्ने स्कार्स को फेड करने में हेल्प करता है. जो पपाया है आपकी स्किन को इवन टोन करता है, बहुत जो है मेक्स लाइटर स्किन टोन एंड सॉफ्टर. सो दिस इज हाउ इट लुक्स.
मैं भी ये यूज कर रही हूँ अंडर माई आई एंड ऑल ओवर द फेस. सो इसका जो पैकेजिंग आया, इसका जो बॉटल था वो कुछ इस तरह का है. दिस इज लाइक ग्लास बॉटल. बहुत छोटी सी बॉटल है ये, बहुत टाइम तक चलेगी. बट बिकॉज इसका जो फॉर्मूला बहुत अच्छा है, दिस इज नॉट जेल काइंड ऑफ बट ये मोर ऑफ ऑयल. एंड इसके साथ ये ड्रॉपर मिला है जो कि बहुत अच्छी चीज है बिकॉज सीरम लगाने के लिए बहुत सही रहता है. एंड इसके अंदर डालो थोड़ा सा, मतलब ये 1/4 भी फिल करने की जरूरत नहीं है इसको, और ये आपके पूरे फेस के लिए इनफ हो जाता है प्रोडक्ट. और ये इनिशियली आपको थोड़ा सा जो है हैवी लगेगा, स्किन पे ऑयली लगेगा, बट जैसे ही आप इसको थोड़ा सा मसाज करोगे तो ये बहुत इजीली जो है आपके स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है. तो इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है. सो अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है और एक्ने प्रोन स्किन है, बिकॉज मोस्टली जो एक्ने है वो ऑयली स्किन पे ही होते हैं एंड समर टाइम्स है वैसे भी, तो आप अपने स्किन को अच्छे से ट्रीट कीजिए. तो ये सीरम जो है मैं ऑयली स्किन के लिए बहुत जो है हाईली रिकमेंड करूंगी. आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, ये सीरम आप यूज कीजिए. दिस इज टी ट्री एंड पपाया, जो है आपकी स्किन को जो है लाइटर कॉम्प्लेक्शन देगा, प्लस आपका जो है एक्सेस ऑयल कंट्रोल करेगा आपकी स्किन में, और एक्ने प्रोन स्किन को भी हील करने में हेल्प करेगा. So this is the one I am using right now. So our last step in the main step is moisturizing the skin. Skin को moisturize करना बहुत जरूरी है. हम जब ये सारे steps follow कर लेते हैं तो उसके बाद make sure कि आप अपनी skin को जो है अच्छे से moisturize करो. So moisturizing के लिए जो मैं product use कर रही हूँ, that is again the argan oil one. तो द सेम जैसे हमारे स्क्रब की और जैसे हमारे जो है बाकी क्रीम्स की, बाकी जेल की पैकेजिंग है, वैसे ही इसकी भी पैकेजिंग है गोल्डन. इसकी पैकेजिंग टू बी ऑनेस्ट गाइस बहुत अच्छी इनकी पैकेजिंग दी है. बहुत हाई एंड ब्रांड लगता है, बहुत लग्जूरियस ब्रांड लगता है. लाइक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज गुड, बट ये बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है. दिस इज आर्गन ऑयल. ये आपकी फाइन लाइन को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, आपके स्किन को बहुत मॉइस्चराइज करता है, आपके जो ब्लेमिशेज है वो फेड अवे करता है, स्किन को इवन टोन बनाता है, और आपकी जो स्किन है उसको रेडियंट प्रोवाइड करता है. तो इसका जो फॉर्मूला है, आप थोड़ा सा भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा, इट्स नॉट मच ग्रीसी, इतना ज्यादा ग्रीसी नहीं है, इजिली अब्सॉर्ब हो जाता है, बट थोड़ा सा प्रोडक्ट बहुत इनफ होता है आपकी स्किन के लिए. तो इसकी भी जो फ्रेग्रेंस है, आर्गन ऑयल की फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी होती है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है. इसके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो पैकेजिंग है वो ट्रैवल फ्रेंडली है. इतने बड़े बड़े बॉक्सेस नहीं है कि आप इजीली कैरी ना कर सको. तो अपना जो मॉइस्चराइजर है, टोनर है, वो इजीली आप अपने कैरी बैग में रख सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं. सो इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है प्रोडक्ट्स की. इसका जो प्राइस है, दिस इज फॉर 225 रुपीज. सो तो ये जो है मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज कर रही हूँ. इसके अलावा मैं नाइट में जो नाइट क्रीम यूज करती हूँ, वो मैंने इनका जो है रिव्यूज देखे थे प्रोडक्ट्स के. सो दिस वाज द मोस्ट रिव्यूड प्रोडक्ट. तो मैंने एज पर द रिव्यूज ही मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, नाइट क्रीम ली थी. ये आई गेस टॉप मोस्ट 4th या 5th नाइट क्रीम है उस वेबसाइट पे. इट इज अफोर्डेबल येट इट इज ऑन द 4th नंबर. So I thought to purchase it. So same packaging है. So same packaging है इस product की भी. This is wheat germ nourishing night cream. So wheat germ क्या है? This is a huge source of vitamin E. आपकी skin को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, जो आपके स्किन को जो डैमेज करते हैं रेडिकल्स, उनसे हेल्प करता है हील करने में, और ट्रीट करता है आपकी डैमेज स्किन को हील करने में. बेसिकली नाइट क्रीम, एक अच्छा नाइट क्रीम अप्लाई करना और प्रेफर टू डू स्किन केयर. अगर आप दिन में भूल जाते हैं अपना स्किन केयर करना, नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेक श्योर आप अपना रात को सोने से पहले अपना स्किन केयर जरूर करें, एक अच्छा नाइट क्रीम जरूर अप्लाई करें. बिकॉज 11 PM टू 2 AM जो ये टाइम होता है, ये हमारी स्किन को हील करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है. सो मेक श्योर आप रात को अपना जो है अच्छा स्किन केयर करें. सो दिस इज द वन आई एम यूजिंग, वीट जम नाइट क्रीम. तो इसका जो प्राइस है 225 रुपीज है. इसका प्राइस भी
सो दिस इज द नाइट क्रीम आई मैंने ये सारे जो प्रोडक्ट्स मंगवाए थे तो इनके साथ मुझे थैंक्स टू गुड वाइब्स एंड थैंक्स टू purple.com दिस इज द वेबसाइट purple.com मैं मेंशन कर दूंगी इस वीडियो में जहां से मैंने ये ऑर्डर किया था. तो मैंने ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे तो उन्होंने मुझे जो है 3 फ्री गिफ्ट्स दिए हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वन. बहुत टेबल फ्रेंडली है इसको तो मैं लाइक अगर मैं कहीं भी बाहर जाऊंगी तो मैं इन प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करूंगी बिकॉज इजी टू कैरी है. मुझे बाकी सारे बड़े प्रोडक्ट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज द हनी जेल. हनी जो है बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन को, हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को. तो समझ में बहुत अच्छा है ये. तो बहुत छोटी सी है, उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है. एंड इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं, मतलब हनी है तो इट्स प्योर लाइक हनी. ये बहुत ही अच्छा जो है इसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत मतलब सिमिलर टू हनी. मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इसके अंदर कुछ केमिकल भी है या कुछ है. हालांकि इसमें कोई केमिकल नहीं है एज दे मेंशन इन दे प्रोडक्ट्स. तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट था जो उन्होंने मुझे फ्री दिया है. सेकेंड प्रोडक्ट उन्होंने मुझे दिया है वाइन एंटी एजिंग फेस वॉश. सो ये तो मैं नहीं यूज करने वाली बिकॉज ये एंटी एजिंग है. सो मैं अपनी मॉम को बोलूंगी कि ये यूज करें प्रोडक्ट एंड मुझे इसका रिव्यू बताएं कि ये प्रोडक्ट कैसा है. सो दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट आई गॉट इट फॉर फ्री. एंड थर्ड प्रोडक्ट जो है दिस इज लाइक वेरी क्यूट पैकेजिंग. इफ यू कैन सी दैट ओ दो मुदा लाइक आई डोंट नो ये क्यों जो है इसको फोकस नहीं कर रहा है. दिस इज फोकसिंग माई फेस मोर. तो ये है आर्गन ऑयल फेशियल ऑयल विद लीव्स. 4 ml की बॉटल है, बहुत छोटी सी है बट बहुत प्यारी है. इसका वैसे ओरिजिनल प्राइस है 99 rupees है बट मुझे ये फ्री में मिला है. थैंक यू गुड वाइब एंड purple.com. तो इसका जो है इस तरह की इसकी जो है बॉटल है, बहुत क्यूट सी बॉटल है बट ग्लास बॉटल है ये. तो ये फेशियल ऑयल है. अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया बट आई एम श्योर कि आर्गन ऑयल है तो ये फेस के लिए तो आर्गन ऑयल बहुत अच्छा होता है तो ये अच्छा ही होगा. सो आई ट्राई इट एंड आई शेयर माई रिव्यू. एंड अदर टोल्ड यू आर्गन ऑयल आपकी स्किन को जो है टाइटन अप करता है और स्मूथ करता है, ब्लेमिशेस को हील करने में हेल्प करता है, ब्लेमिशेस को फेड अवे करता है. सो दिस वॉज द लास्ट प्रोडक्ट विच आई गॉट. सो मैं सारे प्रोडक्ट्स मेंशन कर दूंगी, वेबसाइट को मेंशन कर दूंगी. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मैंने ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू प्रोवाइड करूं बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, सबको लगता है कि अगर ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है ऑब्वियसली आपको जो है स्पॉन्सर किया गया है ब्रांड के थ्रू तो आप उस प्रोडक्ट की तारीफ ही करोगे. बट ऑनेस्टली दैट वॉज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो. मैंने ये खुद पे किया है प्रोडक्ट्स के लिए बिकॉज आई वॉज लुकिंग टू रिव्यू फॉर द प्रोडक्ट्स और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा ब्रांड लेके आऊँ जो बहुत ही अनअफोर्डेबल हो, लाइक बहुत ही एक्सपेंसिव हो. आई वॉन्टेड कि मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेके आऊँ सो दैट हर कोई उसको जो है यूज कर पाए. सो आई बॉट दोज प्रोडक्ट्स. मैंने जो है रिव्यूज पढ़ के और जो है ब्रांड के बारे में पढ़ के ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं एंड ऑनेस्टली मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं एंड प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट. सो इनमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया है प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड मैं ट्राई करूंगी कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए मैं और बनाऊं एंड और इस तरह के कॉन्टेंट के साथ आऊं आपके पास. सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. सो प्लीज 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 आई ऑलवेज से दैट प्लीज वॉच माई फुल वीडियोज, प्लीज शेयर द वीडियोज, प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड डू लेट मी नो हाउ आई एम डूइंग बिकॉज उससे क्या होता है कि मुझे पता चलेगा इफ बिकॉज मुझे पता है आई एम नॉट द परफेक्ट और मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है इस तरह की वीडियोस बनाते हुए, यूट्यूबिंग करते हुए. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड बट मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं बहुत ही जो है ऑनेस्ट कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए और बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यूज प्रोवाइड करूँ आपको प्रोडक्ट के ऊपर. तो इसलिए मैं जो है ये ब्रांड आपके साथ शेयर कर रही थी एंड ये ब्रांड बहुत अच्छा है. आप जो है इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इस ब्रांड के बारे में पढ़ सकते हैं
और इस तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और आई वुड लव टू मेक वीडियोस फॉर यू. आप जो भी मुझे सजेस्ट करेंगे मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे. मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है. सो प्लीज जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, और मुझे जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, स्नैपचैट पे ऐड कीजिए. सो टिल देन आप ये जो है वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.